बोलते हैं गाड़ी चलानी आती नहीं है, देख रहे हो पूरी गाड़ी ठोक। वाओ लोग कैसे हैं सारे, ये व्लॉग बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट कितने दिन हो गए, मतलब शायद 10 दिन हो गए होंगे वीडियो डाले हुए। तो अभी हम सारे हैं साथ में, ठीक है, हम सारे भाई बहन साथ में हैं। तो अभी है वीडियो का एग्जाम था, तो हमारे हम जा रहे हैं अभी हल्द्वानी। तो अभी जंगल रास्ते में पहुँच गए और अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, तो यहाँ रुके हुए दिखाओ। तो ऐसी कुछ लोकेशन है सामने फाटक, ओ आगे लग रहा है ट्रेन, हॉर्न मार रही है। यहाँ बंदर बंदर बहुत बैठे हैं, देखो सामने नीचे फोन ना सीन में आ जाएगी, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। सो क्या वागल वागल हो गई है, चलो ये ना कुछ अमरूद है, ये हम तो उसको दे रहे हैं मंकी को, आम देख रहे हो भाई बैठा हुआ है सन्नाटे से। अब उसको मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, अगर अभी दे दिया ना मैंने तो पता लगा गाड़ी की छत पर चढ़ गया या गाड़ी का वाइप पंपकिन वाला अपना पीछे जो पार्शियल रैप है उसे फाड़ दिया। तो मतलब इंटेंशन नहीं, बस चढ़ते वढ़ते तो क्या पता गाड़ी भी चढ़ जाए। चलो भाई फाइनली काफ़ी देर थोड़ा बहुत वेट किया हमने, 5 मिनट मुश्किल से, और मंकी आ गए, मंकी कह रहा हूँ ट्रेन आ गई। और ये दिल्ली वाला सीन शॉट यहाँ पे भी है, डबल लेन लगती जा रही, सिंगल लेन तो अभी ट्रेन की स्पीड देखना फुल ओवर होके हमारे, ट्रेन आएगी गोली की तरह आएगी, ट्रेन भी लाएगी अपने हॉर्न की तरह। कितना स्लो टाइम, वो देखो साइकिल। सो अभी हल्द्वानी मतलब पहुंचेंगे और यहाँ का व्यू देखना यार क्या लग रहा है, मतलब मैं जानता हूँ आप लोगों को वीडियो देख के लग रहा होगा राई बाइक का व्यू से मजा आया था यार, सही है मजा आया था यार अगर हम लोग होते तो। चलो देखो इधर देखो बादल कैसे लग रहे हैं, और दिल्ली में इस टाइम अंधा पॉल्यूशन हो रखा है और यहाँ पे इतना मस्त हो रखा है ना, मजा आ रहा है ना उन्नू। वीडियो तो गए पर दिन है ना, वो तो नहीं पर दिन चलेगा, हम दोनों बाहर घूमने आए हैं, मतलब इधर से थोड़ा सा आगे सेंटर है और ये लोकेशन देखो, बंदर कहाँ गए, जूम करती गायब हो गए बंदर, वो अरे लोकेशन मस्त है, पुल हिल रहा है ना। और ये अपनी कुछ ऐसी गाड़ी हमने साइड पे लगा दी थी कॉर्नर पे मुन्नू, यहाँ से स्टार्ट हो गया पहाड़ी रास्ता पूरा, प्रॉपरली जंगल है इस एरिया में, मजा आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में टीम हो चुका है कोविड के भारी केस, जिसकी वजह से पर डे मतलब ख्याल से 16 से 20 हज़ार केस आ रहे हैं। तो वीकेंड कल कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ मुझे एग्जाम के लिए आना ही था अपनी बहन के साथ, तो मैंने कहा आ ही जाता हूँ। और इसी बहाने जो हम यहाँ पे भी थोड़ा घूम रहे हैं, पर लोग हमने मास्क सब प्रॉपर लगा रखे हैं, और हमारी टचवुड भगवान की दया से तबियत सब कुछ ओके की रिपोर्ट है, नहीं तो हम बाहर ही नहीं निकलते। तो अभी हम केसेस भी कम है ना, चलो ठीक है जैसा ही है। मेरे ख्याल से अब उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे अगेन फिर से रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी एक दो दिन बाद यहाँ से देहरादून निकलना है, तो लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे, है ना मनु। सो भाई गाना थोड़ा कम कर दे भाई। सो यहाँ पे ना अपन लोग जा रहे हैं एक जगह पे, क्या नाम है जगह का, फतेहपुर रेंज है, जो कि नियर अबाउट रामनगर ही है, कॉर्बेट का एरिया है पूरा, ठीक है ये भी। और यहाँ पे रात के टाइम मेरे के वो रहते होंगे जानवर वगैरह भी आते होंगे रोड पे, अच्छा रोड है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है जंगल के बीच में, अगर यहाँ कोई कैफे खोले तो मज़ा ही आ जाएगा, वो पता लगे वो शिकारी बन सकता है बाघ का। चलो हम पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट, एक पहुँच गए ये जगह पहुँच गए, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। फाइनली थोड़ा सा दूर आए और रुक गए, क्योंकि एक अननोन लोकेशन है, हमें जहाँ जाना था, जगह का नाम क्या था मुन्नू, बताया था अभी, बताया था आप लोगों को, ध्यान होगा फतेहपुर रेंज करके था, तो वहाँ पे अंदर कुछ रास्ता दिखा नहीं ऐसे कि मतलब कि हम गाड़ी छोड़ के जाएं, और एकदम जंगल था, मुझे लगा था कि अगर अच्छी खासी जगह होगी तो गाड़ियाँ खड़ी होगी बहुत सारी और जाने की जगह जो होगी वहाँ पे, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें, बट ये लोकेशन मस्त है दिखाऊं, ये देखो देखो देहरादून वाले कंडीशन, तो गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी मतलब हद गंदी हो रही है, वाइट पंप के नाम का बहुत धूप ना बहुत धूल भरा हो रहा है, ये देख रहे हो कितना साफ़ हो रहा है, गाड़ी कराएंगे साफ अभी, लेकिन इस लोकेशन से मजे लेते हैं। और ये लोकेशन कुछ ये है, तो इट्स अ मूसा बंगा राइट नाउ, ये है रामनगर के पास में, बट यहाँ से ये पता है कैसा गाँव, मैं समझाता हूँ, ये एक ऐसी लोकेशन है जो आपको मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कि जहाँ पे एक घर होता है अच्छा सा, ये देखो सामने दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा घर रहता है, खेत होते हैं, बीच में से पानी बह रहा होता है, पूरा पानी इसमें से जा रहा है,
प्रॉपर पर्टिकुलर वे में और यहाँ से उस साइड जा रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी जगह है और हवा इतनी मस्त है ना, ऑक्सीजन जबरदस्त, सामने व्यू और ऊपर बर्फ नजर आ रही है पहाड़ों पे, वो देखो दिख गई, और नेटवर्क भी पूरे हैं, 4G चल रहा है पूरा। अब मैं कैमरा उठा लूँ एक मिनट, ये सब चीज़ें आती रहेगी BTS। तो सामने ऐसी लोकेशन हो, एक सामने ढाबा हो, उसमें हमको चाय मिल जाए और साथ साथ आमलेट मिल जाए और मजा ना आ जाए। बिल्कुल भाई, चूल्हे में बना हुआ, चूल्हे में बना हुआ, उसकी चाय का टेस्ट भी बड़ा मस्त है ना, खुशबू भी आ रही है ना। हाँ, चूल्हे निकल चुके हैं अपने वहाँ लोकेशन से और अब हम वापस जा रहे हैं गुड़िया और संगी को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनका एग्जाम होने वाला है और अभी हमको टाइम हो गया है यहाँ पे 12:30 अप्रॉक्स, और उनका 1 बजे खत्म होने वाला है। और हमको नहीं आ रहा टाइम कितना दिखा रहा है यहाँ से, 27 मिनट्स, 27 मिनट अभी मैं दिखा रहा, मतलब नेट टाइम में पहुँच जाएंगे अप्रॉक्स, 1 बजे पहुँच ही रहेंगे, 1-2 मिनट पहले पहुँच रहेंगे ना। चल ठीक है, तो हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलना है ताकि जो है टाइम से पहुँच जाए। और डोंट वरी, हम जंगल के अंदर जीव जंतु का ध्यान रखेंगे बिल्कुल जैसा कि हम बोलते ही हैं। और ये जंगल देख लो पहले, तो मस्त है ना उन्नू, दिल्ली में इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पे। सो यहाँ पहुँच गए हम वापस अपने हल्द्वानी के आसपास के एरिया है ना, तो यहाँ पहुँच गए और उनका पेपर भी होने वाला है। कितने देर आएगी, टाइम क्या हो गया, 1 बज गया, बस हम यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे गेट देख रहे होंगे पीछे, उस वाले गेट से जो है हम लोगों ने आना है और हम जो टाइम से पहले यहाँ पहुँच गए, ठीक ठाक पहुँच गए ना। और सामने व्यू दिखाओ, मस्त व्यू, गाड़ियाँ नहीं वो देखो ऊपर, अरे हो जा, ये देखो भाई साहब एकदम पहाड़ बादलों में टच हो रहे हैं, इसे कहते हैं जन्नत। होते हैं गाड़ी चलानी आती नहीं है, देख रहे हो पूरी गाड़ी ठोक दी यहाँ पे अपनी, पूरी गाड़ी बजा दी है पीछे से आगे तक, पता नहीं ये अंदर का है या बाहर का है मुझे भी नहीं पता, पर ये नंबर है, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, गया वो अंदर का है, पूरा पेंट कराना पड़ेगा, वो अंदर का है जो अंदर वाला ऐसा होता है वो है, इनको भाई ढलान में ब्रेक लगानी नहीं आई, पहाड़ी है ओके, ये हाल है इनके। चल बेटा बैठ, ये लग गया कुछ नुकसान, तसल्ली से दिखाया था एक बार ये लगी थी घर के नीचे, हाँ ये भी है पूरा, ये तो खैर हट जाएगा, इसकी टेंशन है, देख रहे हो ये ना एक्चुअली बम्पर दब गया है अंदर, जो बम्पर दब जाता है ना तो एक्चुअली में कलर जो होता है बम्पर का होता है ब्लैक, और ये उसके ऊपर वाइट कलर का पेंट होता है। जब ये गाड़ी अगर ज़्यादा स्क्रैच पड़ते हैं ना, तो ये जो स्क्रैच देख रहे हो आप, ये इसका स्क्रैच का मतलब है कि ये अंदर का पेंट है इसके ब्लैक। और ये ठोका कैसे, ये गाड़ी से भी लगा, गाड़ी के पीछे एक बाइक स्कूटी भी थी, अंकल ने उसको ठोका, बाद में वो स्कूटी वाला आके मेरे भी भिड़ गया, मैं उसको क्या बोलूँ, उस बंदे की भी गलती नहीं थी, वो अंकल ने हैंड ब्रेक ही नहीं खींचा, ये पता नहीं कैसी गाड़ी चलाते हैं यार लोग सही में। और अब हम आए हैं, ये वायरस कैफे है, चलो जाके देखते हैं क्या बोलता है, हल्का देंगे जैकेट पहन ले भाई, ठंडा होगा अंदर, आ जा जैकेट निकाल लेते हैं इसके अंदर से अपनी। गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो रही है, गाड़ी की हालत तो ये देख लो, इसकी वॉशिंग का भी है यहाँ पे, देखो सामने कार वॉशिंग भी दिख गया मेरे को, लेकिन जल्दी निकल जाएंगे इसलिए वॉशिंग नहीं करा रहा मैं, और लैपटॉप पड़ा है इसी के अंदर, अपनी जैकेट ले लूँ, कोट ले लेता हूँ, मुझे पता है अंदर ठंडा होगा, देखते हैं, देखने में तो अच्छा है मनु, ओपन है, गुड आफ्टरनून, अच्छा है, कहीं बैठ जाओ ऊपर, ऊपर ऊपर नहीं बैठना, गाड़ी पे जब लगती रहे तो बहुत मूड खराब होता है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अभी हमारे के यहाँ पे वायरस क्या, ये कैफे बिस्ट्रो वायरस बिस्ट्रो, तो यहाँ आए लेट्स सी, देखो क्या होता है, कोई भी खाना ना गाड़ी पे लगी हुई चोट को रिकवर नहीं कर सकता। गाड़ी अपनी ऐसे लगी हुई है और ऊपर बादल देख रहे हो, एकदम रियल लग रहे हैं भाई, रियल तो है ही, बट एक वो होता है ना कि कितने क्लियर लग रहे हैं, वो वाला हिसाब है यार, इनका फोटो सेशन ही खत्म नहीं हो रहा यार, यही होता है अच्छे कैफे वगैरह पर नहीं आना चाहिए।